ओम शांति। अव्यक्त मुरली हम रिवाइज कर रहे हैं। आज की अव्यक्त मुरली है 410। आज की मुरली का विषय है बेहद के वानप्रस्थ। बेहद के वानप्रस्थ मतलब हमने सारे संसार से अपना संन्यास करना है, वानप्रस्थी बनना, अर्थात निरंतर एकांत में सदा स्मृति स्वरूप। निरंतर और एकांत में वानप्रस्थी का अर्थ बाबा समझा रहे हैं निरंतर सदा एकांत, एक के अंत में, एक शिव बाबा के साथ में सदा स्मृति स्वरूप। बस यही क्या रहती है, स्मृति रहती है बस, और कोई भी बात समझ में नहीं आती, यही एक स्मृति रहती है। ये मुरली हम रिवाइज कर रहे हैं, बाबा ने 19 नवंबर 1979 को चलाई। वाणी से परे परम धाम, वानप्रस्थ को परम धाम कहा जाता है। परम धाम ही है जहां आवाज नहीं होती, परंतु यहां हम वानप्रस्थी होने का पुरुषार्थ करते हैं कि हम सिवाय एक बाप के और किसी का किसी की बात सुनते हैं। भाई जी अकेले होते हैं तब भी आवाज नहीं होती है क्या? जब हम अकेले होते हैं आवाज तो होती ही नहीं है, परंतु आवाज के पीछे क्या होता है, हम बाबा के साथ नहीं होते, हम परिवार के लोगों के साथ, मामा आएगा तो उसको क्या करना है, कैसे बोलना है, क्या जाना है, पापा से कैसे बात करनी है, मामा से कैसे बात करनी है, उससे कैसे बात करनी है, हम इधर इन झमेलों में रहते हैं। जबकि बाबा कहते नहीं, सिर्फ तुम मेरी बात सुनते और मेरी बात करते। आज बाप दादा सर्व बच्चों के भाग्य के गुण गा रहे थे। आज बाप दादा सर्व बच्चों के भाग्य के गुण गा रहे थे। बाप बच्चों के भाग्य की श्रेष्ठ रेखाओं को देख हर्षित होते। बाप क्या देखते हैं, बच्चों के भाग्य की श्रेष्ठ रेखाओं को देख हर्षित होते हैं। भाग्य की श्रेष्ठ रेखाओं में विशेष क्या क्या बातें देखी जाती हैं? वे जानते हो, मुख्य बात तिथि अर्थात तारीख, समय, विशेष ग्रह, कुल, धर्म, संपत्ति, संबंध और ऑक्यूपेशन देखा जाता है। कुछ समझ में आया बाबा क्या कह रहे हैं? नहीं आया भाई जी, समझा दो। मतलब किसका कितना श्रेष्ठ भाग्य है, श्रेष्ठ भाग्य की, भाग्य की श्रेष्ठ रेखाओं में विशेष क्या बातें देखी जाती हैं? वे जानते हो, मुख्य बात है तिथि, तारीख कौन सी है, समय कौन सा है, विशेष ग्रह क्या है, कुल कौन सा है, धर्म कौन सा है, संपत्ति क्या है, संबंध और ऑक्यूपेशन देखा जाता है, इसका संबंध किसके साथ है और इसका ऑक्यूपेशन क्या। अब आप कितने भाग्यशाली हो, इन सब को अपने साथ देखो। इन सब बातों से भाग्य को देखते हैं। सर्वोच्च भाग्यशाली कौन और कैसे, सर्वोच्च भाग्यशाली कौन और कैसे, आप सभी अपनी इन बातों को अच्छी तरह से जानते हो। आप सबकी तिथि कौन सी है, आज तक भी अपने भाग्य को जन्म की तारीख से या राशि से देखते हैं ना, कि कब पैदा हुआ था, कौन सी राशि है, किस समय पैदा हुआ था,
उससे देखा जाता है ना किसका क्या भाग्य है। हाँ, हाँ, जन्म की तारीख कौन सी है, आप सब कब अवतरित हुए, ब्राह्मण कब अवतरित हुए, जब बाप अवतरण हुआ, जब बाप का अवतरण हुआ उस समय हम अवतरित हुए, तो फिर हमारा भाग्य कितना अच्छा है। हाँ जी भाई जी, बहुत अच्छा है। बाबा का भी जन्म उसी समय, हमारा भी जन्म उसी समय, तो हम बाप समान हो गए ना, हमारा कितना अच्छा भाग्य है। जो बाप के अवतरण की तारीख है वही आपकी है। ब्रह्मा बाप, ब्रह्मा सहित ब्राह्मण भी पैदा हुए, तो जो आदि रतन है उनकी तारीख कौन सी कहेंगे, बाप के अवतरण की तारीख आदि रत्नों के जन्म की तारीख है। समय कौन सा है, ब्राह्मणों के जन्म का समय कौन सा है, संगम, संगम, संगम युग को क्या कहा जाता है, कौन बताएगा संगम युग को क्या क्या कहा जाता है, सारे बताओ जरा। पुरुषोत्तम संगम युग, डायमंड युग, चढ़ती कला का युग, चढ़ती कला का युग, बच्चे और बाप का मिलन, बाप और बच्चों के मिलन का युग, परिवर्तन का युग, परिवर्तन का युग, परमात्मा का परिचय, परमात्मा का परिचय, जन्म और परमात्मा परिचय मिलने का युग, बाप के साथ जन्म लेने का युग, परंतु वो नहीं बताएंगे जो बाप बता रहा है। स्वयं का परिचय, बाप का परिचय, ये है। हाँ जी, आत्मा परमात्मा का मिलन, ये है ब्रह्म मुहूर्त का समय, सामने लिखा हुआ था ब्रह्म मुहूर्त, ब्रह्म मुहूर्त कब होता है, अमृत वेला, ये अमृत वेला तो है, जब रात से दिन होने वाला होता है, दिन होने से पहले अमृत वेला होता है ना, ये संगम ब्रह्मा मुहूर्त का समय है, अमृत वेले का समय है। समय कितना अच्छा है देखो ना, अमृत वेले सवेरे उठते हैं, बाप को याद करते हैं, तो सभी के जन्म का समय है ब्रह्म मुहूर्त। राशि कौन सी है, लौकिक राशियां तो भिन्न भिन्न प्रकार की दिखाई हैं, लेकिन आप सबकी राशि जो बाप की राशि, कौन सी राशि है हमारी, आत्मा, विश्व कल्याणकारी। समझ में आ रहा है, आत्मा समझेंगे तभी तो होंगे, समझेंगे तो नहीं होगा। तो राशि है हमारी विश्व कल्याणकारी, जो बाप की राशि है वो हमारी राशि है, दुनिया वाली राशि हमारी नहीं है, ये वही आप सबकी राशि है, जिस राशि में सर्व बाप के समान गुण समाये हुए हैं, और दशा भी, दशा कौन सी है, किसकी दशा है हमारे ऊपर, बृहस्पति की दशा, बृहस्पति की दशा है, गुरुवार, की दशा। कुल भी कौन सा है, सर्वश्रेष्ठ, डायरेक्ट ईश्वर के कुल के हो, ईश्वरीय कुल है हमारा, और पोजीशन क्या है आपकी,
आपकी अपनी पोजीशन क्या है? मास्टर सर्वशक्तिवान। आप किसके बच्चे हो? पोजीशन तो ये है ना हमारी, हम क्या है? सर्वशक्तिमान के बच्चे। हाँ, मास्टर सर्वशक्तिवान हो। और संपत्ति कितनी है आपके पास? जो कभी कुछ नहीं सकती। और अविनाशी संपत्ति है। और धर्म कौन सा है? ब्राह्मण। चोटी सबसे ऊंच ब्राह्मण हो। और बुद्धि की लाइन विशाल और त्रिकालदर्शी लाइन है। अब सोचो इससे अधिक भाग्य की रेखाएं और किसी की श्रेष्ठ हो सकती? कर्म रेखा में निरंतर कर्म योगी, सहज योगी, राज योगी, ये रेखा बाप ने स्पष्ट खींच ली। भाग्य के सितारे में ताज और तख्त दिखाई दे रहा कि भविष्य में हमें ताज और तख्त मिलने वाला है। ऐसे इससे श्रेष्ठ भाग्य और क्या होगा ये बता दो। मूर्ति पूजा गुरियों का अनोखा खेल। दुनिया हम हमारा भाग्य क्या है ये हम देख रहे हैं। अब मूर्ति पूजा देखो। आज बाप दादा सदा सर्व भाग्य को देख रहे थे। जैसे बाप सर्व के भाग्य को देख हर्षित होते हैं, वैसे आप सभी स्वयं के भाग्य को देख हर्षित होते हो। छोटी छोटी बातों में भाग्य को भूल तो नहीं जाते? ये छोटी छोटी बातें क्या हैं? जैसे भक्ति वालों को कहते हो कि ये पूजा आदि गुडियों की पूजा है, गुडियों का खेल खेलते हैं, जन्म भी देते हैं, सजाते भी हैं, गुडियों को पैदा भी करते हैं, सजाते भी हैं, पूजते भी हैं, फिर क्या करते हैं? पानी में डुबोते भी। तो इसको आप गुड़ियों की पूजा या गुड़ियों का खेल कहते हो? ऐसे ही मास्टर भाग्य विधाता बच्चे भी इन छोटी छोटी बातों की गुड़ियों को खेल बहुत करते। कौन से बच्चे? मास्टर भाग्य विधाता बच्चे, वे इन छोटी छोटी बातें, अब वो बातें बता रहे हैं जो गुड़ियों की खेल बहुत करते हैं। रियल बात नहीं होती, लेकिन हिसाब किताब चुकतू होने के लिए व धारणाओं का पेपर लेने के लिए व अपनी स्थिति की चेकिंग करने के लिए ये बातें जीवन में नए नए रूप से आती रहती हैं। निर्जीव बातें, ऐसी बातें सुनिए, निर्जीव बातें, असार बातें। बातें कैसी होती हैं? निर्जीव, जिसमें कोई जीवन ही नहीं, मरी हुई बातें, असार बातें। बैठते हैं ना घर में, रिश्तेदार आ जाते हैं, ओ कभी बचपन में साथ रहे होंगे, उस समय की बातें कहानियां ऐसे नशे से सुनाते हैं, घंटों बीत गए। ये बातें हैं निर्जीव बातें और असार बातें, जिसमें कोई सार ही नहीं, कुछ मिलने वाला नहीं, कोई फायदा होने वाला नहीं। सार माना रस, नींबू में रस नहीं है तो क्या है? वो बेकार है ना, उसको असार बोलेंगे। संतरे में रस नहीं है तो क्या है? असार। लेकिन जब सामने आती हैं, जैसे वो जड़ मूर्ति में प्राण भर देते हैं और इतना विस्तार बना देते हैं, वैसे आप भी
उन बातों को घंटों सुनाते सुनते रहते। वैसे आप सभी भी कभी ईर्ष्या की गुड़िया बनाते हो, कभी वहम की गुड़िया भी बनाते हो, कभी अनुमान की गुड़िया बनाते हो, कभी आवेश की गुड़िया बनाते हो, कभी रोग की गुड़िया बनाते हो, अर्थात मूर्तिकार बना मूर्ति बनाकर बात रूपी गुड़िया में प्राण भर देते हो और अनुभव करते हो और कराते। क्या अनुभव कराते हो? ईर्ष्या, आवेश, क्रोध, अनुमान, रोग, मतलब इनकी मूर्तियां बना लेते हो अपनी बुद्धि के अंदर और लंबा चौड़ा उसके बारे में सोच लेते हो, फिर दूसरे का सिर खा जाते। सुना सुना और अनुभव करते और कराते हो कि यह सत्य है, यही बात ठीक है, ये प्राण भर देते हो और फिर क्या करते हो? आप लोगों का गीत बना हुआ है ना, डूब जा डूब जा, मूर्ति को ले जाकर डुबो देते हैं, डूब जा डूब जा। तो क्या करते हो? उसी बात रूपी मूर्ति को आगे पीछे की स्मृतियों से खूब सजाते हो, साथ साथ जैसे वो भोग लगाते हैं देवी को अथवा मूर्ति को, वैसे आप भी कौन सा भोग लगाते हो? ज्ञान की पॉइंट्स उल्टे रूप से सोचते, ज्ञान की पॉइंट्स को सीधा नहीं सोचते, अर्थात भोग लगाते हो। ये होता ही ये है, होता ही है, ये तो सब होता है। ड्रामा अनुसार पुरुषार्थी हैं, सारे थोड़ा सुधर जाएंगे, कर्मातीत तो अंत में बनना है। इस प्रकार के ज्ञान की भिन्न भिन्न वैरायटी पॉइंट्स रोज भोग लगाते लगाते मजबूत कर देते हो, पक्का कर देते हो कि हमें सुधरने की जरूरत नहीं। पहले कच्चे भोजन का भोग लगाते, फिर पक्का कर देते, धीरे धीरे उसको क्या कर देते हैं, कह कह कर पक्का कर, फिर उन पॉइंट्स को अर्थात भोग को अकेले नहीं खाते, अपने साथ साथ पंडे कुटुंब भी है ना सारे, उनको भी खिलाते, उनको भी अपनी जैसी आदत बना देते हो, अपना बेड़ा गर्क तो करते हो, उसका भी साथ में बेड़ा गर्क कर देते हो, और भी परिवार के साथी बनाते हो, उनकी बुद्धि को भी ये भोजन स्वीकार कराते हो, लेकिन अंत में क्या करना पड़ता है? ज्ञान सागर बाप की याद में बीती सो बीती के ज्ञान सागर की लहर में, स्व उन्नति की लहर में, हाई जंप लगाने की लहर में, स्मृति स्वरूप की स्मृति की लहर में, मास्टर नॉलेज फुल स्वरूप की लहर में, इन अनेक लहरों के बीच इन गुड़ियों को अथवा मूर्तियों को डुबोना ही पड़ता है। लेकिन इतने सारे समय को क्या कहेंगे? इस सारे गुड़ियों के खेल को
जैसे भक्ति वालों को कहते हो वेस्ट ऑफ टाइम और मनी, वैसे ही संगम का सर्वश्रेष्ठ समय और ज्ञान व शक्तियों के खजाने को इतना व्यर्थ कर देते हो, तो ये छोटी छोटी बातें क्या हुई? गुडियों का खेल। इस खेल में कभी भी अपने को व्यस्त मत करो, सदा अपने श्रेष्ठ भाग्य को देखो, सदा अपने श्रेष्ठ भाग्य को देखो। वर्तमान समय के प्रमाण अभिवान प्रस्थ अवस्था के समीप हो। वान प्रस्थी गुड़ियों का खेल नहीं करते। वान प्रस्थी एकांत और सुमिरण में ही रहते हैं, तो आप सब बेहद के वानप्रस्थी सदा एक के अंत में अर्थात निरंतर एकांत में सदा स्मृति स्वरूप रहो। ये है बेहद के वानप्रस्थी की स्थिति। बाप दादा ने 3 मिनट ड्रिल कराई, ये स्थिति अच्छी नहीं लगती? दिल के बाद पूछा, जो चीज अच्छी लगती है वो तो सदा याद रहती है, अब बाप व आप क्या चाहते हो? एक ही बात चाहते हो कि बाप और बच्चे समान हो जाएं, सदा याद में समाये रहें। समाना नहीं चाहते हो, समान बनना ही समाना है। बाप समान बनना ही बाप में समाना है। समझा कि बाप क्या चाहते हैं व आप क्या चाहते हो? ये सीजन स्वरूप देखने की है या सिर्फ सुनने की है? फिर सुनाएंगे कि समय क्या पुकार रहा है, भक्त क्या पुकार रहे हैं, दुखी अशांत आत्माएं क्या पुकार रही हैं, धर्म नेताएं वैज्ञानिक राजनीतिक क्या पुकार रहे हैं, प्रकृति भी क्या पुकार रही है। सबकी पुकार हे उपकारी आत्माएं, सबकी पुकार हे क्या बोलते हैं उपकारी आत्माएं सुनने में आती है या अपना गुडियों के खेल में ही बिजी हो? ये हमें गुडियों का खेल करने वाला बना दिया बाबा ने, हम तो सोच रहे थे मूर्तियों की पूजा वालों को गुड्डे गुडियों का पूजा करते हैं ना, ये हमें ही बना दिया गुडियों के पूजा करने वाले। हमें गुस्सा भी आ जाता है, ईर्ष्या भी आ जाती है, बदले का भावना भी आ जाती है, श्रोभ भी आ जाता है, अनेक प्रकार की गुडिया बना रखी है। बताओ ऐसी मुरली चलाता है बाबा? हमने सोचा भक्ति मार्ग वाले गुड्डे गुडियों की पूजा करते हैं। कितने गुड्डे गुडिया है हमारे पास भाई? जैसी जैसी हमारी अवस्था बाकी वैसी वैसी गुड़िया। मतलब हमें गुड्डे गुडियों से खेलने वाला बना दिया। कैसे दिखाता है हमारा शीशा हमें? गुड़ियों के खेल में बिजी हो। अच्छा, फिर सबकी पुकार सुनाएंगे। आप लोग भी कल अमृत वेले सुनना।
रात को जब कल उठेंगे अमृत वेले तो सुनना के भक्तों की पुकार क्या है, उनको क्या चाहिए, उनको कैसे हमने क्या करना है, दुख से बाहर निकालना है, सदा उनके श्रेष्ठ भाग्यशाली बनाना है, सदा भाग्य को सुमरण करने वाले, सदा बाप के समान याद में समाये हुए, निरंतर एकांतवासी, हर घड़ी को सफल बनाने वाले, सफलता मुहूर्त, भक्ति के खेल समाप्त कर, मास्टर ज्ञान सागर, समृद्धि स्वरूप और समर्थि स्वरूप, ऐसे पद्मा पदम भाग्यशाली बच्चों को बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। आगे है पार्टियों से मुलाकात। सभी अपने को सर्वश्रेष्ठ आत्माएं अनुभव करते हो, कितनी श्रेष्ठ आत्माएं हो जो स्वयं बाप बच्चों से मिलने के लिए अपने वतन को छोड़कर आते। आधा कल्प गाया कि अपना वतन छोड़कर आ जाओ, लेकिन ये मालूम नहीं था कि कब और कैसे मिलेगा, सिर्फ इंतजार में दिन बिताए। अभी इंतजार खत्म हुआ और सन्मुख मिलन मना रहे हो, ऐसे श्रेष्ठ भाग्य और किसी का होगा? स्वप्न में भी ऐसा नहीं सोचा होगा कि भगवान से बातें करेंगे, टोली खाएंगे, बैठेंगे और अभी प्रैक्टिकल में अनुभव कर रहे हो। प्राप्ति के आगे ये सफर भी क्या है? बाप कितने बड़े सफर से आते हैं? बाप का स्थान दूर है या आपका? जब खुशी होती है तो कोई भी थकावट व तकलीफ महसूस नहीं होती। रास्ते के चार दिन निरंतर योगी की स्टेज होगी। कब मिलेंगे, कब पहुंचेंगे, निरंतर योगी हो गए ना, ये भी कमाई हो गई ना। ब्राह्मण बनना माना हर कदम में कमाई, कष्ट भी कष्ट नहीं है, लेकिन जैसे गुलाब के पुष्प के साथ कांटा भी होता है, वे कांटा उनके बचाव का साधन होता है, वैसे ये तकलीफें और ही बाप की याद दिलाने के निमित्त बनती। कोई भी प्रकार का जब दुख आता है तो नास्तिक के मुख से भी हे भगवान निकलता है। तो दुख भी याद दिलाने का साधन हुआ ना। संगम पर कोई कष्ट हो नहीं सकता। इस समय आप बच्चे बाप के सर्व खजानों के अधिकारी हो। बाप का खजाना क्या है? सुख, शांति, आनंद, प्रेम, यही तो खजाना है। तो अधिकारी और खुश ना रहे, ये हो कैसे सकता है? अमृत वेले सदा स्मृति का तिलक लगाओ कि हम अधिकारी आत्मा हैं। तो अगर तिलक लगा हो तो सदा हर्षित रहेंगे। तिलक को मिटने नहीं देना। माया कितना भी मिटाने की कोशिश करे लेकिन मिटाना नहीं तो सदा अविनाशी भाव का वरदान मिलता रहेगा। सिल्वर जुबली मना रहे हो लेकिन गोल्डन एज की स्थिति में रहकर सिल्वर जुबली मनाओ। अच्छी हिम्मत रखी है, रिजल्ट भी अच्छी है। अच्छे बुजुर्ग, अनुभवी और मेहनती बच्चे हैं। अच्छा,
सर्टिफिकेट है, अच्छा सर्टिफिकेट है विदेशी भाई बहनों से। सभी जैसे स्थूल देश के हिसाब से फॉरेनर्स हो, वैसे ही आत्मा रूप से भी सदा अपने को फॉरेन विदेशी परम धाम निवासी समझ कर चलते हो। सदा ये अनुभव हो कि मैं आत्मा परम धाम से अवतरित हुई। विश्व कल्याण का कर्तव्य करने के लिए तो इस समृद्धि से क्या होगा। जो भी संकल्प करेंगे, जो भी कर्म करेंगे, जो भी बोल बोलेंगे, जहां भी नजर जाएगी सर्व का कल्याण करते रहेंगे। ये स्मृति लाइट हाउस का कार्य करेगी। उस लाइट हाउस से एक रंग की लाइट निकलती है, लेकिन यहां सर्व शक्तियों की के लाइट हाउस हर कदम आत्माओं को रास्ता दिखाने का कार्य करे। तो सदा इस स्मृति में रहो ताकि जो भी सामने आए वो समझे कि हम अखुट खजाने की खान के आगे आए। आने से ही ऐसे महसूस करें कि मैं ऐसे स्थान पर पहुंच गया हूं जहां से सर्व प्राप्तियां होनी है। विदेशियों को ऐसे चलते फिरते लाइट हाउस बनकर सेवा करनी है। अगर एक ही स्थान पर इतने लाइट हाउस हो जाएंगे तो क्या रिजल्ट निकलेगा। सब वाह वाह के गीत गाएंगे। सदैव एक चित्र अपने सामने रखो, जैसे आप लोग चित्र निकालते हो उसमें अंगुली से ब्रह्मा भी शिव बाबा की तरफ इशारा कर रहे हैं। ऐसे आप सबका हर कर्म हर संकल्प बाप की तरफ इशारा करे। किसको समझ में आई ये बात? आप सबका हर कर्म हर संकल्प बाप की तरफ इशारा कर, उसको देखकर सब कहें ये तो ईश्वरीय कार्य है, ये सामान्य कार्य नहीं है। चेक करो कि मेरा संकल्प इशारा करने वाला है। जब सर्व आत्माओं को बाप का इशारा मिल जाएगा तो आपके गुणगान गुणगाने लग जाएंगे। जैसे अभी और गीत गाते हैं ना, वैसे चारों ओर सभी साजों द्वारा बाप और आपके गुणों का गीत गाएंगे। उस समय क्या सीन होगी और आप लोग कहां होंगे? मधुबन में। सब मधुबन में भाग आएंगे तो भक्त क्या करेंगे? उस समय आप सब का साक्षात्कार होगा कि ये बाप दादा के दिल तख्त नशीन। उस समय आप तख्त नशीन नजर आएंगे, तब सारी दुनिया हाय हाय करे और आप लोग उनको वरदान देंगे। ऐसा साक्षात्कार अपने आप को अपना होता ही है कि हम तख्त नशीन हैं,
ब्राह्मण अर्थात अधिकारी। तो अधिकारी अधिकार लेना है, वह जन्म से ही अधिकारी हो, बाप दादा सभी को सदैव तख्त और ताजधारी देखते हैं। तख्त से उतर आते हो क्या? जो श्रेष्ठ आत्माएं होती हैं, वे कभी भी बिना गलीचे के नीचे पांव नहीं रखती। आप सबसे बड़े से बड़े हो तो तख्त से नीचे पांव नहीं रखना। तख्त ये शरीर, इस शरीर से नीचे नहीं जाना, माथे से। तख्त पर ही खाते हो, पीते हो, घूमते हो, वृक्षी में बैठे रहते, चलते हो। इतना बड़े से बड़ा तख्त है, समझा? फॉरेनर्स का क्या पोजीशन है? अभी फॉरेनर्स को जो सेवा दी है, वे कहां तक हुई? अभी अभी फॉरेनर्स को जो सेवा दी है, वे कहां तक की है? स्पीकर की आवाज कहां तक पहुंची? किस स्पीड से चल रहा है? कब आवाज पहुंचेगी? 1980 में या 1981 में? जब सब तरफ के लाउड स्पीकर्स की आवाज जहां पहुंचेगी, तभी कुंभकर्ण जागेंगे। छोटी आवाज नहीं भेजना, बड़ी आवाज भेजना। सभी इंतजार कर रहे हैं कि कब कब फॉरेन की आवाज से भारत भारत का सभी इंतजार कर रहे हैं कि कब फॉरेन की आवाज से भारत के कुंभकर्ण जागते हैं। अभी बुलंद आवाज करो, फॉरेन सर्विस की रिजल्ट अच्छी है। विदेश वाले बच्चों की सेवा की रिजल्ट अच्छी है। अभी आगे क्या करना है? प्लान सुनाया, प्लान तो अच्छा है, ये तो करेंगे, लेकिन अभी ऐसा कोई वातावरण बनाओ जो वातावरण चुंबक जैसा कार्य करे, चारों ओर फैल हो जाए, कि अगर शांति चारों ओर फैल जाए, मतलब कि अगर शांति सुख या प्रेम चाहिए तो यहां से मिलेगा, मिल सकता। ये दुकान है, एडवर्टाइजमेंट हो जाए। आजकल वाणी की बजाय वाइब्रेशंस से प्राप्त करने की इच्छुक ज्यादा है, लेकिन इसका पहले ऐसे वातावरण की आवाज जरूर फैलाओ, सभी अनुभव करें, जैसे प्यासे की प्यास जैसे प्यासे की
प्यास, जैसे प्यासे की प्यास पानी से बुझ जाती है, ऐसे आत्माओं की शांति सुख की प्यास बुझ जाए। जैसे स्थापना के शुरू में एक दिन भी कोई सत्संग में आ जाते थे तो पहले दिन ही कुछ ना कुछ अनुभव करके जाते थे, जो आदि में वो अंत में, विस्तार के रूप में होना है। ऐसा कुछ वातावरण बनाओ, वे तब होगा जब आप सभी निरंतर इस स्थिति से में स्थित रहेंगे, इस स्थिति में स्थित रहेंगे। फिर सूर्य की किरणों के मापिक सब अनुभव करेंगे, सबकी नजर जाएगी कि ये कहां से किरणें आ रही है, ये कहां से किरणें आ रही है। ऐसा अभी पुरुषार्थ करना है। सभी रिफ्रेश तो बहुत हो रहे हो, ऐसे रिफ्रेश हुए हो जो अनेकों को रिफ्रेश करते हुए सदा रिफ्रेश रहें। वे कौन सा, इस बारी विशेष एक शब्द पर अंडरलाइन करके जाना, वे कौन सा निरंतर, चाहे संकल्प चाहे बोल, निरंतर शब्द को डबल अंडरलाइन करके जाना। याद की यात्रा में निरंतर, ज्ञान स्वरूप में निरंतर, धारणा में निरंतर, सेवा में भी निरंतर, चारों सब्जेक्ट्स में निरंतर को डबल अंडरलाइन करके जाना, चारों सब्जेक्ट। समझा? ये एक शब्द वरदान के रूप में ले जाना। प्लान लंबे नहीं बनाओ, लेकिन प्रैक्टिकल के जल्दी के बनाओ। उसके लिए यही इशारा है, अपना तन मन तन शक्तियां, जितना जल्दी तन मन अपना तन मन धन शक्तियां जितना जल्दी यूज करेंगे उतना फायदा है। अभी समय है, फिर टू लेट का लेट हो जाएगा। करने के लिए डेट का इंतजार नहीं करो, कल भी नहीं, आज भी नहीं, कब करो? अभी करो, अभी करो, क्योंकि अगर डेट बताएंगे तो बहुत समय का जमा नहीं होगा, डेट का जमा होगा, फिर डेट की इंतजार में चले जाएंगे, इंतजाम कम करेंगे। हर एरिया में संदेश पहुंचाने की कोशिश करो, जिससे कोई उलाना ना दे कि हमें पता ही नहीं चला। सर्विस करते जाओ तो सब आप पे ही ऑफर करेंगे,
कि यहां सेंटर खोलो। प्रश्न, संपर्क और सेवा दोनों में सफल बनने के लिए मुख्य कौन सी धारणा चाहिए? उत्तर, सफलता तभी मिलेगी जबकि सदैव स्वयं को मोल्ड करने की क्वालिफिकेशन हो। जैसे मोल्ड करना चाहे मोल्ड कर सकते। अगर स्वयं को मोल्ड नहीं कर सकते तो गोल्डन एज की स्टेज तक पहुंच नहीं सकेंगे। जैसा समय, जैसे सर्कमस्टांसेस हों, उसी प्रमाण अपनी धारणाओं को प्रत्यक्ष करने के लिए मोल्ड होने वाले ही रियल गोल्ड हैं। अगर मोल्ड नहीं होते तो रियल गोल्ड नहीं है। जैसे साकार बाप की विशेषता देखी, जैसा समय, जैसा व्यक्ति, जैसा व्यक्ति वैसा रूप, तो सदा सफलता मुहूर्त के लिए विशेष ये क्वालिफिकेशन चाहिए। प्रश्न, एक धर्म, एक राज्य और एक भाषा, ऐसी दुनिया कब स्थापन होगी? उत्तर, जब सब ब्राह्मणों की स्थिति एक रस हो जाएगी। जब सब ब्राह्मणों की स्थिति एक रस हो जाएगी, एक रस स्थिति अर्थात हम सब एक हैं, एक बाप के बच्चे हैं, सर्वश्रेष्ठ आत्माएं हैं, भले स्थूल देश में रहने वाले, लेकिन आत्माओं का देश एक ही है। हर एक की एक रस स्थिति बन जाए तो बहुत जल्दी एक राज्य, एक भाषा, एक संस्कृति, एक रस स्थिति बन जाए तो बहुत जल्दी एक राज्य, एक भाषा, ऐसी दुनिया स्थापन हो जाएगी। जब से ब्राह्मण बने तो यही एक संकल्प धारण करना है कि ऐसा राज्य स्थापन करके ही छोड़ेंगे, ऐसा जहां सब एक ही एक होगा, स्थापना करने के लिए स्थिति भी एक रस चाहिए। प्रश्न, निरंतर योगी बनने का सहज साधन क्या है? उत्तर, सदा देव तख्त नशीन बनने से स्वतः ही निरंतर योगी बन जाते।
युक्त सदा देव तख्त नशीन बनने से स्वतः ही निरंतर योगी बन जाएंगे। बाप दादा के देव तख्त पर बैठेंगे, पता नहीं होगा कि कैसे, बस आप बाबा के देव तख्त नशीन पर, देव तख्त नशीन बच्चे है ना, तो जब हमें दरवाजा चेंज करना हो, बंदी करना या खोलना हो, तो इसको एक प्रकार से प्रयोग करना है। वर्तमान समय बाप द्वारा जो ताज और तख्त मिला है, सदा कायम रखो, उसको सदा कायम रखो। अभी का ताज व तख्त अनेक जन्मों के लिए ताज व तख्त प्राप्त करता है। विश्व कल्याण की जिम्मेवारी का कार्य भूलना अर्थात ताज को उतारना। ताज उतरना तो नहीं है, उतरता तो नहीं है ना, तख्त है बाप का दिल तक जो सदा बाप दादा के समीप हो, सदा बाप का बाप दादा के दिल तख्त नशीन है, वे निरंतर स्वतः योगी अर्थात मेहनत की कोई बात ही नहीं। क्यों? क्योंकि एक बाप तो संबंध जोड़ रहा है। तो मेहनत काहे की, दूसरे प्राप्ति क्या है, अखुत है। जहां प्राप्ति होती है वहां स्वतः याद होती है, जहां स्वतः याद होती है वहां स्वतः याद होती है, जहां स्वतः याद होती है ऐसे स्वतः और सहज, स्वतः और सहज योगी हो कि मेहनत करनी पड़ेगी। अच्छा, टीचर से बात कर रहे हैं। टीचर्स अर्थात सदा अपने फीचर्स द्वारा बाप के गुण प्रत्यक्ष करने वाली, हर कर्म से हर समय बाप के गुण अपने कर्म द्वारा प्रत्यक्ष करे, ऐसे ही हो ना। जो भी देखे वो यही कहे कि इनको सिखाने वाला उनसे परम शिक्षक कौन है। आपको देखते ही बाप की याद आ जाए, आपका हर कर्म बाप की तरफ इशारा करने वाला हो। टीचर अर्थात स्वयं और सर्व के प्रति विघन विनाश, कोई भी विघन अब उसके जीवन में बाकी नहीं रहे। छोटी छोटी बातों के पीछे समय ना गवाने वाली ऐसी टीचर्स ही बाप को प्रत्यक्ष कर सकती है। अच्छा, ओम शांति। और विस्तार से जानने के लिए प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय के किसी भी सेवा केंद्र पर संपर्क करें, और यदि कोई प्रश्न है